ठीक है साहब, आपने मुझे याद किया। आइंदा याद रखना एसीपी चौगले, क्या मैं तुम्हें फिर कभी याद ना करना पड़े। जी। बेनागा हर रोज तुम्हारी हाजिरी यहाँ दर्ज हो जानी चाहिए। जी। केके की चाकरी में मिल रही तनख्वाह से अगर बेदखल कर दिए गए तो तुम्हारे खाने पीने और ऐश करने के तमाम शौक सरकारी पगार में तुम्हें भूखा मार देंगे। रोज सुबह शाम दोनों बार हाजिर दूंगा सर, आप हुक्म तो दीजिए। कल सुबह दहीसर के गोदाम से ट्रक में लदकर हमारा माल कोलाबा ले जाया जा रहा है। बंदोबस्त करो कि उस ट्रक को ट्रैफिक सिग्नल के अलावा और किसी रुकावट की वजह से रुकना ना पड़े। केके साहब, रात भर में इंतजाम करना और फिर दिन दहाड़े माल से लदा हुआ ट्रक शहर की खास सड़कों से गुजरना, अगर एक दिन की मोहलत मिल जाती तो। ट्रक तो हमारा दहीसर से कल सुबह चल देगा, अगर वो कोलाबा नहीं पहुंचा तो तुम उस जगह पहुंचा दिए जाओगे जहां से वो जमीन नजर नहीं आती जिस पर तुम खड़े हो। पहुंच जाएगा जी, पहुंच जाएगा, ट्रक से सलामत पहुंच जाएगा। केके साहब चौगले, ट्रक का नंबर है 'जुब है हमारी हार की खबर को लेकर आए और हमारे इतना करीब खड़ा हो जाए। नाकामयाबी की खबर जब केके का रुख लेती है तो उसे केके का खौफ हो जाता है। याद है वो दिन कॉलेज का क्रिकेट मैच, हम वन डाउन बैटिंग कर रहे थे, बॉलर ने गेंद डाली, हम फॉरवर्ड गए, गेंद आकर हमारे पैड पे लगी, फील्डर्स ने अपील की, हम पलटे और अंपायर ने हमारे खिलाफ उंगली उठा दी, केके आउट, आउट। याद है कैसे लहराया था तू अंपायर की खोपड़ी को गेंद समझकर, उठाए आउट, अंपायर आउट, आउट। क्योंकि हमारी उम्र छोटी थी और यह हमारा पहला जुर्म था इसलिए कोर्ट ने हमें माफ कर दिया, लेकिन यह हमारा पहला जुर्म ही नहीं, हमारे जुर्म के सिलसिले की पहली कड़ी थी। उस वक्त एम्पायर सही था लेकिन हमें नागवार था, लेकिन आज तुम लोग गलत हो और हमें नामंजूर हो। इस शहर में कौन इतना खलीफा हो गया जिसने हमारे साथ खिलाफत की है, हमारे ही मैदान में आकर हमें को हरा दिया। हमें अपनी हार कबूल नहीं, एके इस शहर का कोना कोना ढूंढो, हमें अपना माल वापस चाहिए उस शख्स की लाश के साथ। पाए लगुता था, पांव तो लग लीजिएगा जब हाथ खाली हो जाए। ए हरिया जी दाता, उसका कितने का माल अपने हाथ आया है? जी 5 करोड़। 7 साल हमें जेल भिजवा कर ससुर, इधर बहुत बड़ा तरक्की किया है केकुआ ने, और उधर 7 साल जेल की दीवारों पर हम उसी का चित्र बनाया हूं। जेल की 4 दीवारी पर हमने 7 साल और कुछ नहीं किया, बस केकुआ के खिलाफ मोहरे बिछाता रहा हूं। अब जाकर पहला चाल चला, अब ऐसे ही वो ससुर हमें बनाकर सजाकर तस्तरी में परोसता रहेगा और हम खाता रहूंगा। दादा का हम केके को फोन लगावे? अरे 5 करोड़ का झटका लगा है, अभी हलक से आवाज नहीं निकलेगी, अभी ससुर को तड़पने दो जैसे जलबिन मछरिया। दादा केके तो अभी तक पुलिसवा को अपने सर पर उठाई चुका होगा। केकुआ चौगले के बूते पे चाहे जितनी चतुराई कर ले, ये गोरा धंधा काले लोगों का गोरख धंधा है हरिया। पुलिस वालों की भी नीलामी होती है, बड़ी बोली लगाओ
जिसे चाहे चौगले बना लो। अब इस खाकी वर्दी के बाजार में हम भी बोली लगाऊंगा। सर आपने मुझे याद किया। इंस्पेक्टर विजय, पूना बॉम्बे हाईवे पर एक खाली ट्रक बरामद हुआ है। किसी भी थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है, लेकिन ऐसा अंदेशा है कि बाकायदा गोलियां चलाई गई हैं और ट्रक को लूटा गया है। तुम जाकर इस मामले की तहकीकात करो। विजय, इंस्पेक्टर विजय, विजय, अगर अपने सीनियर्स की इज्जत करने और ऑर्डर्स सुनने में तकलीफ होती है तो अपना ट्रांसफर करवा लो। सर, आपने जिन मुजरिमों का पता लगाने का आदेश दिया वो मैंने सुन लिया, और साथ में वो आदेश भी सुन लिया जो मुजरिमों को पकड़ने के बाद दिया जाता है कि मुजरिमों को छोड़ दो। छोड़ने के लिए मुजरिमों को पकड़ना आपकी आदत बन चुकी होगी सर। मैं कोशिश कर रहा हूं ऐसी आदत डालने की। समाज जिस कायदे कानून के तहत चलता है उसमें हम पुलिस वालों की ताकत का एक अपना दायरा है, उससे बाहर तो नहीं निकल सकते। इस दायरे में फंसे हुए आपके और मेरे जैसे कुछ ऑफिसर्स हैं सर। बाकी 75% पुलिस वालों की वर्दी में मुजरिम छुपे हुए हैं जो गैरकानूनी काम करते हैं या करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस सच्चाई से आंखें फोड़ी हुई हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में मुट्ठी भर ही ईमानदार पुलिस वाले हैं जैसे तुम, और उन्हीं के बलबूते पर मैं इस शहर में पनपते हुए जुर्म से लड़ रहा हूं। हाँ, मैंने एक नए ACP का ट्रांसफर भी करवा लिया है, आजकल में वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। एक नए ऑफिसर से क्या हो जाएगा सर, मुजरिम चंद आदमी नहीं बल्कि एक पूरी कौम है। गिनती के ईमानदार पुलिस ऑफिसर और उनके सरकारी कारतूस जुर्म की ताकत में क्या फर्क ला पाएंगे। लेकिन सर, जब तक मेरे जिस्म पर वर्दी है मैं आपका विश्वास कायम रखूंगा सर। चलो 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 चलो
देखा देखा तुम लोगों ने क्या दबदबा पुलिस का, बेगुनाह साले भागते रहते हैं और गुनेगार गले में हाथ डाल के घूमते रहते हैं। हवलदार जी साहब, चलो भाई लग जाओ काम पे, आओ पहले तकेगा तकेगा खेले। जी तो दिवाली मनाई गई थी, चलो भाई चेक करो देखो कितने फटाके फटे। हाँ खा की कसरत है। राजे गाड़ी रोको। लाइसेंस प्लीज। क्यों क्या हुआ? मामला बड़ा संगीन है मैडम, मैं जो जो कहता जाऊं आप दिखाते जाएं। और कोई आइडेंटिफिकेशन? पासपोर्ट देख लीजिए मेरा। इसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क पीठ पर तिल, क्या मैं देख सकता हूं? इफ यू डोंट माइंड। ये लीजिए घूमिए। ये क्या चल रहा है सर? वो मार्क देख रहे हैं। मार्क देख रहे हैं? आपने इनका आई कार्ड देखा? नहीं देखा। मैडम बात इतनी बढ़ाने से पहले ऑफिसर का आई कार्ड देख लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो है ना ये नकली ऑफिसर है। इन्हें वर्दी पहनकर यहां वहां देखने की आदत है। आप चलिए, आप चलिए मैडम। तो जनाब आप मार्क देख रहे थे उनका? विजय तू पिछले जन्म में जरूर माचिस की डिब्बिया रहा होगा, साले तेरे से तो लड़की पटती है नहीं, और अगर मुझसे पटती है तो तेरी माचिस की तीली की तरह जलती है। अबे सुधर जा नहीं तो तेरा अगला पिछला जन्म सब याद आ जाएगा तुझे। बेटे जिस दिन कोई समझदार लड़की तेरे पल्ले पड़ गई ना उस दिन सारा हुलिया बिगाड़ देगी वो तेरा।
कमाल है, इतनी जोर से निकाला फिर भी पता नहीं चला। अंकल आपको पता है अभी अभी मैंने एक गुनाह कर डाला, आपकी जेब काट ली। अंकल इससे पहले कि मैं इस गुनाह के रास्ते पर बहुत दूर निकल जाऊं, मुझे प्लीज रोक लीजिए और एक ही रास्ता है, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं जानता हूँ आज के समाज में इस बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के दौर में और कोई रास्ता ही नहीं बचता। लो बेटी तुम ये पूरा पर्स ही रख लो, बताओ जिन हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए वो हाथ जेब काटते हैं। बुढ़े मेहंदी के चक्कर में तो सब कुछ हो रहा था, ये साला मुहूर्त ही गलत निकला, लगता है हिमालय के सारे महात्मा नीचे उतर आए। ये अच्छे लोग भी कितने अजीब होते हैं। रितु तुम्हारी मोहब्बत का मामला इतना संगीन है और तुम बिना किसी संगीन जुन के विजय को नहीं पा सकती। कैसे? हाँ वो सामने बैग दिख रही है, तुम उसे वहाँ से उठाओ और भाग जाओ। मैं? हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, कम ऑन नाउ कम ऑन। सलाम इंस्पेक्टर साहब। तुम फिर यहाँ आ गई? आप तो अपनी मजबूरी जानते हैं ना इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की दिन दहाड़े लोगों का बटुआ या लोगों का बैग लेके भाग जाती है, आप लोग खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, ये फिर आप लोगों के पास आती है कि मैंने जुर्म किया है मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए, और खास करके इसी पुलिस स्टेशन पे आती है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप लोगों से निवेदन है आप लोग यहाँ से चले जाइए और तुम दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे कहना छोड़ दे भाई, इसने जुर्म किया है और सजा इसे मिलनी चाहिए। अच्छा तुम भी? जी इंस्पेक्टर हम तो आपके इलाके की जनता हैं, हमसे आपकी ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर सकते, और इस लड़की से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई जो बिना सजा दिए छोड़ रहे आप। पाटिल साहब अगर इस करप्शन का किसी पत्रकार को पता चला तो वो इनकी इज्जत उछालेगा, और इनकी इज्जत हमारी इज्जत है ना। हाँ ये तो है, और इन चश्मदीद गवाहों की टोली में कोई एक भी देशभक्त उन तक खबर पहुँचा सकता। साहब बात बहुत आगे बढ़ रही है, रिपोर्ट दर्ज कर लो, तुम अपना काम कर चलो। इंस्पेक्टर साहब मेरी आपसे गुजारिश है। बोलिए। इस लड़की को आप जेल में मत डालिए, जेल में मुजरिम सुधरते कम मगर बनते ज्यादा है, मैं जमानत दे दूंगा ना। एक मिनट भाई साहब एक मिनट, आप यहाँ आइए, आप शक्ल से तो बड़े इमोशनल आदमी लगते हैं, आप इतना भी नहीं समझ सकते कि लफड़ा चोरी चकारी का नहीं मामला दिल का है, जरा गौर से इनकी शक्लें तो देखिए देखिए देखिए। ओहो समझ गया। इंस्पेक्टर साहब आप इस लड़की को जेल में डालिए। हाँ हाँ मामला काफी संगीन है, अगर आप इस लड़की को जेल में नहीं डालेंगे तो हम कल से बाहर धरना देंगे। तो इंस्पेक्टर साहब बेहतर यही होगा कि आप इसे जेल में डाल ही दीजिए। चलो बाबा चलो। अरे शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया भाई लोग, अगर मजबूरी रही तो फिर मुलाकात होगी, बाय बाय। हाय क्या पकड़ है, सलाखों के पीछे रहने का बहुत शौक है ना। बिल्कुल एक घंटा अंदर रहोगी तो पता चल जाएगा, चलो। तेरे लिए रहता है दिल बेकरार, तुझे देखते ही मुझे चढ़े है बुखार। आए मुझे चढ़े है बुखार, तेरे लिए रहता है दिल बेकरार, तुझे देखते ही मुझे चढ़े है बुखार। कभी एक सौ दिन कभी एक सौ चार, कभी एक सौ तीन कभी एक सौ चार, इसको ही यार मेरे कहते हैं प्यार, तुझे देखते ही मुझे चढ़े है बुखार, इसको ही यार मेरे कहते हैं प्यार, तुझे देखते कभी एक सौ चार कभी एक सौ तीन कभी एक सौ चार।
पाटिल सर छोड़ दो इसको। जी सर। इसका दिमाग ठिकाने आ गया है। क्या इंस्पेक्टर, अपने दिमाग को सही ठिकाने पे, आज छोड़ दोगे कल फिर आ जाओगे? ये सुधरने वाली नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कब आए, हम तो तुम्हें भूल ही गए थे। केकवा, ये तेरी अदा बहुत पुरानी हो गई है कि एहसान करके भूल जाता है। कितने जतन से जेल भिजवाया था और 7 साल हम तेरा जेल में ही जाप किया और छुटते ही तुझे संदेशा भिजवाया। संदेशा? पिछले 5 घंटे से अपना कौन सा गुमशुदा बाप ढूंढ रहा था जो तोरा 5 करोड़ का माल लूट लिया। केकुआ, इधर देख, हम ही है तोरे वो बाप। बाप बनने का शौक है दादा तो पैदा करने का दम भी रखो। खुद पैदा नहीं कर पाते तो बच्चा गोद लेना शुरू कर दिया। हमें गोद लेने की कोशिश की तो हम तुम्हारे सीने से तुम्हारे जिस्म का खून चूस लेंगे।
हमसे दूर रहो दादा, दूर रहो। और हाँ, ये जो चिल्लू भर पानी तुमने हमारे समुंदर से लूटा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे समुंदर को हम खाड़ी बनाऊंगा केकुआ। ये चौगले को चचा बनाकर जो तुम शहर का चौधरी बन बैठे हो ना केकुआ, तो हम भी 7 साल जेल में रहकर पुलिस वालों के साथ बहुत रिश्तेदारी निकाल ली है, और फिर तुम्हारे वो 5 करोड़ किस दिन काम आएंगे? इस 5 करोड़ को खर्च करने के लिए उम्र लंबी होनी चाहिए दाता, जब तुम्हारी नहीं है। आज के बाद अपने इन हाथों की लकीरों को छोटा होते हुए देखना। इसके पास खबर पहुंची कैसे चौगले? जरूर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी होगा जिसने इसे खबर दी थी। सब साले बिकाऊ हैं। आप ही ने बिकना सिखाया है, लेकिन आपसे ऊंची बोली शहर में कौन लगा सकता है केके साहब? दाता की पुलिस से रिश्तेदारी निकल आई हो, ऐसा मुमकिन नहीं। डेविड से दाता की सुपारी उठवा, इससे पहले कि वो 5 करोड़ के पहाड़े गिनना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी की गिनती खत्म कर दो। एड्रेस पे कैप्टन विकास सूद को टेलीग्राम करो, वाइफ सीरियस कम इमीडिएटली। और हाँ, 24246 ये कोचिन का नंबर है, मिलाते रहो। और अगर कैप्टन सूद का फोन लगे तो उनसे कहना उनकी पत्नी अस्पताल में है। सभी काम छोड़कर पहले ये दो काम करो। अंकल, मेरी मम्मी कैसी है? वो ठीक है बेटा। तुम कैसे हो? अंकल, उन लोगों ने मेरी मम्मी के ऊपर गोलियां क्यों चलाई? तुमने उन लोगों को देखा था? अंकल, मेरे पापा को फोन करके बुला लीजिए, फिर वो मेरी मम्मी को ठीक कर देंगे। हाँ बेटे, लेकिन बेटे तुमने उन लोगों को देखा था? इंस्पेक्टर, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? बोलिए। मेरा नाम निशा तिवारी है, मैं एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हूँ। उस औरत और बच्चे को मैं ही अस्पताल लाई हूँ, और उसके पति कैप्टन सूद को भी मैंने इत्तला कर दी है। अब आप चैन से पुलिस स्टेशन वापस जाइए और इस वारदात को किसी बड़े से रजिस्टर में दर्ज कर लीजिए। आपकी जिम्मेदारी खत्म। जी देखिए, मुझे उन लोगों का स्टेटमेंट लेना है। अगर आपको पता भी चल जाए कि मुजरिम कौन है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बेकार की खाना पूर्ति करके आप अपने आप को बेशक बहला लीजिए, उस बच्चे को परेशान मत कीजिए। देखिए मैडम, आप अपनी राय अपने पास रखिए, और पुलिस की ड्यूटी क्या है, पुलिस की ड्यूटी क्या है और कितनी निभाई जाती है, ये पब्लिक अच्छी तरह जानती है। पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बैठे ऊँघते हैं, और मुजरिम बेरोक टोक आजाद घूमते हैं। माना की वर्दी का रंग एक है, लेकिन उसके अंदर का आदमी, उसका ईमान, उसकी इंसानियत एक जैसी नहीं होती। मौका वारदात पर मैं मौजूद थी, पूरी वारदात देखी है मैंने अपनी आंखों से, भीड़ में भी उस मुजरिम को पहचान सकती हूँ मैं। अब आपके सामने एक चश्मदीद गवाह खड़ा है इंस्पेक्टर। बड़ी डींगे हांकते हैं ना आप ईमान और इंसानियत की। अब देखते हैं आपके खून में भी वर्दी का रंग उतरा कि नहीं। ये तो डेविड है, सुपारी किलर। पाटिल। यस सर। मुझे आधे घंटे के अंदर डेविड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, समझे? लगो। हेलो। हाँ जरा कमिश्नर साहब को फोन देना। हेलो सर, इंस्पेक्टर विजय है सर। आप बोलो। सर, आज के शूटआउट के सिलसिले मुझे डेविड के खिलाफ वारंट चाहिए सर। कोई गवाह? हाँ सर, चश्मदीद गवाह मौजूद है। ठीक है, तुम पेपर तैयार करवाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, डेविड तो 2 दिन से हिरासत में है। हिरासत में? कौन सी पुलिस चौकी में? चौगले साहब की। चौगले साहब की?
बताओ 10 और 12 के बीच में तुम कहां थे? बोल, किसकी सुपारी ली थी तुमने? किसकी मदद से 2 घंटे के लिए जेल से बाहर निकले थे तुम? बताओ, बोल, कहां था तू 2 घंटे? विजय साहब, क्या है? आप ये गलत कर रहे हैं। चौगले साहब के थाने में आकर उनकी इजाजत के बगैर मारा नहीं। अच्छा, मारे से राह दर्द तुम्हें हो रहा है? तुम्हारे चौगले साहब के चक्कर तो मैं अभी पता चलवाऊंगा इसे सच उगलवाकर। बोल, बोल, 2 घंटे तक तू कहां था? किसकी इजाजत से गया था तू वहां? बोल, बोल। बताता हूं इंस्पेक्टर, बताता हूं। बता, जल्दी बता, बता। अब पुलिस चौकी या ये लॉकअप कोई तुम्हारी जागीर नहीं, जो जहां चाहे घुसकर जाहिल जैसा सलूक करो। वर्दी तुम्हारी इंस्पेक्टर की है तो उसी हैसियत के दायरे में रहो। लेकिन सर, फालतू बातें नहीं। किसकी इजाजत से इस थाने में आकर इस मुजरिम को मार रहे थे? अगर दादागिरी करने की इतनी ही तलब उठती है तो वर्दी उतार कर किसी नुक्कड़ पे पान की दुकान में टंगे रहो और मोहल्ले में दादागिरी करो। तुम्हारी उम्र के बहुत से बेरोजगार नौजवान यही कर रहे हैं। इस यूनिफॉर्म को पहनकर अगर अपनी मन मर्जी से हाथ पांव चलाए तो वर्दी उतरवा ली जाएगी। सॉरी सर। और भैया को अचानक देखकर जो मेरी हालत हुई होगी वो? रहने दो भाभी, रहने दो, तुम सब इस साजिश में शामिल हो। अब पता चला मुझ पर क्या बीती होगी? वो तुम्हारे भैया का ही आइडिया था कि तुम्हें उनके ट्रांसफर के बारे में पता न चले। और श्रीवास्तव अंकल तो नए ऑफिसर के ट्रांसफर की बात ऐसे करते हैं जैसे न कभी उन्होंने देखा हो न मैंने। पापा तुम्हारी सब खबरें हमें देते रहे हैं। वाह, बना ली ना तुम लोग ने मेरे खिलाफ पार्टी। अब चले, हाथे किचन में घुस गई। अरे सब लोग खाने पर आ रहे हैं। भाभी मुद्दत बाद आज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अजय को बुलाऊं? वो आ रहा है, उसे पता है। ओहो, तो मियां वो भी शामिल है? साला बड़ा दोस्त बनने का दावा करता है। चिंकी कहाँ है? अरे चिंकी बाबा, मेरा चिंकी। जीते रहो। इधर आ। कमाल है भैया, आप भी पहले खबर कर देते, कुछ इंतजाम ही कर लेता। हम सब तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। दरअसल मैं ये भी देखना चाहता था कि तुम अपनी पुलिस की ड्यूटी कैसे निभा रहे हो। भैया पुलिस स्टेशन में मैं कुछ बोला नहीं, वहां आपकी वर्दी की इज्जत करनी थी, लेकिन वहां आप गलत थे। गलत? वो अपना जुर्म कबूल करने वाला था कि आप बीच में आ गए। अब मुझे क्या मालूम कि वो अपना जुर्म कबूल करने वाला था। लेकिन क्या नाम है उसका? डेविड। डेविड, वो तो दारू पीकर कुछ दंगा करने के जुर्म में जेल में बंद था और तुम तो उस पे ऐसे टूट पड़े जैसे कि। रहने दीजिए भैया, जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं। एक जगह शूट आउट होता है, बेगुनाह जख्मी होते हैं और एक चश्मदीद गवाह डेविड की तस्वीर पहचान लेता है, और जब उसे ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है किसी छोटे मोटे जुर्म में 2 दिन से वो पहले लॉकअप में बंद है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि एक मुजरिम अपने सड़े गले हथकंडे अपनाकर बड़ी आसानी से हम लोगों को बेवकूफ बना जाते हैं। दरअसल हम लोग ही हैं जो जुर्म की खेती करवाते हैं। पुलिस और मुजरिम की मिली भगत कोई नई बात नहीं है। बस बस बहुत हो गया। अगर अपने डिपार्टमेंट की और अपनी इस वर्दी की इज्जत करना नहीं जानते तो उतार फेंको इस वर्दी को। वाह, क्या भरत मिलाप है, क्या मोहब्बत है कि मिलते ही कपड़े उतारने की नौबत आ गया। पाए लागो भैया। भैया आपने तो भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए उनसे शादी कर ली, मगर हम दोनों तो कुंवारे हैं। साला रेस्टोरेंट का खाना खा खा कर हम लोग सब्जियों का फर्क भी भूल गए, इसलिए पहले ऐसा करते हैं पेट भर के खाना खा लेते हैं और बाद में आप दोनों आराम से बैठकर बहस कीजिएगा। भाभी, भाभी, नमस्ते भाभी। अरे अजय आ गए तुम। आशीर्वाद बाद में, पहले खाना। विजय बाबू
आपका खाना खाने का इरादा है या भैया की गरम गरम डांट सुनकर ही पेट भर गया? चलो। नहीं यार, जो गलत है सो गलत है। दूसरी जगह लोग पाप छुपा कर करते हैं, एक साल अपना डिपार्टमेंट है, खुलेआम पाप होता है यहाँ तो जाइए, मुक्ति पाइए इस दुनिया से जहाँ गलत बहुत ज्यादा और सही बहुत कम होता है। गिर हुए वस्त्र धारण करके और हाथ में कमंडल लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए। रोका किसने? भैया आपकी आंखों में भी सुर्ख डोरियां उभर आती अगर आप उस औरत का बहा हुआ खून और उसके बेटे की हालत देख लेते। आओ मेरे पास। पापा आप कहाँ चले गए थे पापा? तुम कैसे हो बेटे, ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हारी माँ कैसी है? मम्मी तो मर गई। सर वो आज नागपाड़ा केस की सुनवाई है, उसकी चार्जशीट मैंने तैयार कर ली है और कोर्ट में सबमिट करना है। और मेरा कम इन। यस मेरा नाम कैप्टन विकास सूद है। मैं अभी अपनी पत्नी की चिता को आग देकर आ रहा हूं जो परसों हुई वारदात में घायल हुई और कल उसने दम तोड़ दिया। किस वारदात में? सर ये वो होटल होराइजन वाला केस है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उस शूटआउट में शक के बिना पर किस किस को गिरफ्तार किया गया है। देखिए कैप्टन सूद, ये केस मेरे अंडर में है, कोशिश जारी है लेकिन गिरफ्तारी अब तक। आपकी बेबसी और लाचारी देखकर शर्म आ रही है मुझे। अरे हम मिलिट्री वालों पर तो सारे देश की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है और आप पुलिस वाले, आपसे एक शहर नहीं संभलता। कैप्टन सूद, जुर्म और मुजरिमों से लोगों के दिलों में खौफ अगर बढ़ता गया तो ये तमाम पुलिस स्टेशंस, ये खाकी वर्दी पहने हुए लोगों की भीड़ और आपके कांधे से लगे हुए ये सितारे, ये सब बेमायने हैं। कैप्टन सूद आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको। नहीं इंस्पेक्टर, रहने दो। इनके इस मानसिक हालत में इन्हें लाख समझाया जाए इनकी समझ में कुछ नहीं आया। अगर कभी ये बात आपकी समझ में आ जाए तो मेरे 4 साल के बच्चे के एक मासूम सवाल का जवाब लिखकर भेज दीजिएगा। वो मासूम मुझसे पूछता है कि मेरी मां को किसने और क्यों मार दिया। कैप्टन, अगर कुछ रोज आप भी शहर में हैं तो आपका पुलिस पर एतबार तो मैं कमा लूंगा, ये मेरा वादा है। और आपके बच्चे के सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। ए साला, जरा दर्द महसूस कर तब समझ में आएगा हमरा दर्द। हमरा 6-6 अड्डा पर पुलिस डकैती किया और तुम साला पुलिस का सायरन सुनकर अपना पतलून गीला कर यहां सुखाने जलाया। बाय लागू दाता। ए हरिया। हुकम दाता। देखा के को का हरकत, चोगले के साथ मिलकर हमरा सारा माल लूट लिए, हमरा कैसा खिल्ली उड़ाए हैं। नहीं दाता, केके का काम नहीं है, ऊ का भी कई अड्डा तहस नहस हुई गवाह है। का केकुआ का अड्डा भी? तो का राजधानी से मिलिट्री बुलवाए हैं? नहीं दाता, बदली माऊ कमिश्नर अश्विनी कुमार आया है, नया है ना दाता, अपना कर्तव्य दिखा रहा है। अश्विन कुमार, हमारे साथ क्रिकेट खेलने का शौक ना ही पाले तो उसकी सेहत के लिए अच्छा है। ये जो जोश उसे आया है तो 3 ही तरीके हैं उस पर काबू पाने के। या तो बिना बोल भाव के उसे खरीद कर उसे पालतू बना लो, या तो फिर उसका किसी ऐसी जगह ट्रांसफर करवा दो जहां से इस शहर को कोई भी सीधी ट्रेन आती ना हो, और या तो फिर उसके घर वालों को
LIC यानी कि जीवन बीमा के पैसे दिलवा दो। ट्रांसफर होकर तो अभी आया है के साहब, तो वो तो आप अभी भूल जाइए। दूसरा यह है कि ऑफिसर को अगर जान से मारेंगे तो जनता हमारी जान की दुश्मन बन जाएगी। हाँ, देखना यह है कि अगर वो मेरा बिकाऊ है तो कीमत क्या होगी उसकी। ओ पिंकी, अरे आओ देखो क्या लेकर आए हैं हम। अरे देखो तो इतनी चीजें उठाकर लाए हैं हम। आ जाओ पिंकी बेटा, देखो हम क्या लेकर आए। क्या? टीवी आपके कमरे के लिए। जब तक आपके यहाँ नए दोस्त वोस्त नहीं बन जाते, आप कमरे में बैठकर टीवी देखा कीजिए। थैंक यू पापा, मैं चाचा जी को बुला के लाऊं। हाँ, जा। ज्योति, क्या है? मैं खाना बना रही हूँ। अरे भाई आओ और देखो, चाइनीज क्रॉकरी लाए हैं हम। आज घर में जो भी खाना बनाए इस चाइनीज क्रॉकरी में डालकर खाएंगे। आइए। वैसे आजकल आपके कई काम हमारे बगैर भी हो जाते हैं। ये सब मार्केटिंग आपने हमारे बगैर ही कर ली? वैसे कुछ एक काम ही ऐसे हैं जो आपके बगैर नहीं हो सकते। बड़ी जरूरत महसूस होती है। उस काम के लिए हमारी जरूरत आज आपको कुछ जल्दी महसूस नहीं हो रही? पर्स तो खाली कर ही आए हो, अब भूखे पेट सोने का इरादा है क्या? वैसे माना कि पापा ने तुम्हें ट्रांसफर पर किसी खास काम के लिए बुलाया है और इतना बड़ा सरकारी मकान भी दिलवा दिया, पर तनख्वाह तो आपकी उतनी है, फिर इतना महंगा सामान। अरे मेम साहब, आज आपके शौहर को याद आया कि भाई वो तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, भागा है पूरे शहर पर, तो जरा स्टाइल से रहना चाहिए। तू सोचा कि ये सब चीजें, और हाँ वॉशिंग मशीन आ रही है कल, उसे देखकर आप भी कुछ इज्जत से बात करना शुरू कर देंगे हमसे, क्योंकि भाई दिन में कम से कम 10-20-30 आदमी उठकर सलाम मारते हैं। शहर वाले भले ही आपको अपने सर पर बिठा लें, हमने तो शुरू से आपको दिल में रखा है और वहीं रखेंगे। वॉशिंग मशीन की बात सुनकर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हैं आप। भैया भैया, वैसे आप ठीक ही कहा करते थे, औरत रोमांटिक हिल स्टेशन पर नहीं होती, जितना की मार्केट या मार्केटिंग का सामान देखकर हो जाती है। देखा असर, देखा आपने? इन चीजों को देखकर ये जनाब आपकी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ गए। इसे कहते हैं रुतबा। ऐसा ही रुतबा अगर कायम रखना हो तो अपने टेबल के नीचे से ऊपरी कमाई शुरू कर दीजिए। आपकी नौकरी में तो काफी गुंजाइश है। क्या सलाह है, वाह। आपके पिताश्री को अभी फोन करके बताता हूँ कि आपकी साहबजादी ने क्या सलाह दी है। अपने पिता को भी ये मशवरा दीजिए मेम साहब, उनकी नौकरी में भी काफी गुंजाइश है। यही तो बस एक चीज है जो भैया और अंकल कभी ना कर पाए। टेबल के नीचे ना इनका हाथ कभी गया है और ना कभी जाएगा। क्या भरोसा। लो भाई, आपके लिए भी एक घड़ी। पहले सोचा था कि इसे दूं या ना दूं, कहीं आप भी इसे रिश्वत की कमाई समझकर। भैया, जिस दिन उस कमाई की घड़ी इस घर में आएगी, उस दिन वक्त चलना रुक जाएगा। जरा होशियारी से जाना, खतरा लगे तो निकल आना। इस नए ACP अश्विन कुमार ने हमारे सारे अड्डों पर अपनी नजर लगाई हुई है। AK, उसकी आंखों पर रंगीन चश्मा पहनाया जा चुका है। हाल ही में हमने अपने बंगले का कुछ सामान उसके मकान पर रखवाना शुरू कर दिया है। धंधा ऐसी बेफिक्री से करना जैसे शेर गोश्त खाता है। एक्सक्यूज मी, आई एम इंस्पेक्टर अजय सिन्हा, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। मतलब क्या है आपका? काफी दिनों से पुलिस आपकी तलाश में है और अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप इस होटल से ड्रग्स की डीलिंग करके आ रही है। ड्रग्स? आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर? सारी असली सामने आ जाएगी। चलिए हाथ ऊपर कीजिए। जी, आई से हैंड्स अप फास्ट। अजय सर,
मुझे अभी भी टिप ऑफ मिली थी कि इनके पास। मजाक करने की हद होती है, जानता कौन है ये? लेकिन सर मैं तो मिस निशा, मैं अजय की तरफ से माफी चाहता हूँ। ये मेरा दोस्त है, वैसे आदमी ठीक है लेकिन इसे मजाक करने की आदत है। मजाक अच्छा कर लेते हैं आपके दोस्त, मैं जरा तारीफ तो कर दूं। अजय, मैंने कहा था ना जिस दिन ऐसी लड़की पहले तो अब मैं इसके पड़ जाऊंगा और इसका अंजाम भी तो देख लेना विजय। आंखों में आंसू लिए उसने अपने प्यार की भीख ना मांगी तो लाना थे मेरी जवानी पर। चल 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 चल, बहुत हो गया, चल। तुम फिर आ गए? माफ कर दो ना प्लीज, माफी माफी। अजी, हमें तो इस टाइपराइटर से जलन सी होने लगी है क्योंकि आपको इसकी सोबत मुझसे ज्यादा पसंद है। चलो ना निशा, कहीं बाहर चलते हैं। अजय, ये आर्टिकल पूरा करके मुझे अभी प्रेस में भिजवाना है क्योंकि कल जिस मुजरिम को रिहा किया जा रहा है उसके जुर्म की चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ और उसे बिना किसी सजा के। लेकिन निशा, तुम इस मुसीबत में क्यों पड़ती हो? आखिर ऐसा कब तक चलेगा अजय? किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा ये सब कुछ, नहीं तो ये जानवर इस शहर को जंगल बना देंगे। आखिर ये मुजरिम है कौन? डेविड। तुम लोगों के हाथ हथियार के लग जाते हैं, जिसकी चाहे जब चाहे दुनिया उजाड़ देते हैं। आराम से लो, इस देश को अपने बाप की जागीर समझ रखी। Kill you, kill you, you bastard! Kill you! Hey! Stop it, Captain! Stop it! Bastard! Captain, गोलियां तो बहुत चलाई होंगी तुमने, आज गोली खाकर भी देखोगे। अब अगर एक उंगली भी हिलाई तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा, समझे? आंटी, इतना छोटा मेहमान तो हमारे घर में पहली बार आया है। किसके साथ आए हो? अकेले। चिंकी के दोस्त हैं आप? नहीं तो क्या अश्विन अंकल यही रहते हैं? लेकिन आप कौन हैं? सोनी, मेरे पापा ने कहा है कि ये लेटर है ना अश्विन अंकल को ही देना। और आपके पापा कहाँ हैं? पता नहीं। आइए, आपके लिए खत है। कौन है ये साहब? सनी। सनी, आदरणीय एसीपी साहब, आपकी जुबान से शहर की पुलिस फोर्स ने जो मुझे इंसाफ का वादा किया था उसकी रिपोर्ट आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ ली। डेविड पर कोई आरोप या केस नहीं बना और उसे आज रिहा कर रहे हैं। अब इंसाफ मैं खुद हासिल करूंगा क्योंकि बिना उसके जी नहीं पाऊंगा। मेरा क्या हश्र होगा पता नहीं। आप मेरे बेटे का जरा ख्याल रखिएगा। अनाथालय भेज
अनाथालय भेजने की नौबत आए तो किसी अच्छे अनाथालय भेजिएगा। शुक्रिया कैप्टन सूत। अरे ये भी कोई सलीका है जिससे देखो अपने हिसाब से इंसाफ करने निकल पड़ता है? ऐसे में क्या समाज बन पाएगा? मैं जानता हूँ इस वक्त कैप्टन सूत कहाँ और क्या कर रहा होगा। आप जरा गुस्से पर काबू पाइए, बच्चा घबरा जाएगा। मैं जानता हूँ क्या करना है, आप मुझे मत समझाइए। अब अंदर जाइए और अपना काम कीजिए, और ये बच्चे को भी ले जाइए। आप क्या अंकल है तो हमें भी डांट दिया, ये भी कोई बात है? भला बड़ों को भी कोई डांटता है? अब कोई कैसे समझाए इन्हें? क्या बात है भाभी? अच्छा हुआ तुम आ गए। कैप्टन सूद ने इस बच्चे के हाथ चिट्ठी भेजकर तुम्हारे भैया का मूड ही खराब कर दिया। कैप्टन सूद? मैं अभी देखता हूँ। चलो बेटा। हेलो जी, जी विजय साहब। हाँ मराठे, कैप्टन सूद आए क्या उधर? जी वो तो लॉकअप में है। क्या लॉकअप में? जी साहब। क्यों? वो तो पता नहीं साहब। और डेविड? डेविड को तो रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया गया? कब? आज ही। बड़े सीधे साधे जमानत के कागजात हैं एसीपी साहब, फिर पढ़ने में इतनी देर क्यों लग रही है? अरे कैप्टन सूद को रिहा कर दो। छोगले साहब को बड़ी तकलीफ होती है किसी बेगुनाह को रिहा करते हुए, और बड़ी खुशी होती है जब डेविड जैसे गुनहगारों को छोड़ दिया जाता है। एसीपी चौगले, किसी दिन कोई सच आपको आड़े हाथ ले लगा तो आज घर जाके जरूर सोचना कि आपका अंजाम क्या होगा। प्लीज। थैंक यू विजय। मैं इंस्पेक्टर विजय नहीं कहूंगा क्योंकि पुलिस वालों से नफरत थी मुझे, मगर अब घृणा हो गई है। आज इस देश का खोखलापन झांक कर देखा है मैंने, जिसे एसीपी साहब जैसी दीमक अंदर से चाट चुकी है, और अब कभी भी हवा के बहाव में यह देश तह जाएगा। आप अकेले हाथों से सहारा दिए कितनी देर तक थम रहेंगे इसे? अरे हम अकेले कहां हैं, आप हमारा साथ देंगे, और जब हम जैसे लोग मिल जाएं तो इन कीड़े मकोड़ों का सफाया खुद ब खुद हो जाएगा। तोरे जिम्मे हम वो कार दिया रहिन जिसमें 2 करोड़ का कोकिन रहा रे, और तू उसको खोकर चलाया। अरे गंगवा, अब ऐसे सर झुकाकर मत खड़ा रहा रे, अभी मां तोरा का कसूर। 20 कदम दूर पर खुला कार खड़ा रहिन, जब तक तुम पहुंच पाते कोई कार उड़ा कर ले गया। अभी मत तोरा का कसूर गंगवा। कसूर तो इन टांगों का है जो इतना भारी हो गया है कि हमारे गंगवा से उठाए नहीं उठता। ए गंगवा, बहुत पिराता है ना? हरिया, ए हरिया, ये गंगवा हमरा बहुत प्रिय है, इका दर्द हमसे नहीं देखा जाता रे, नहीं देखा जाता। हमरा रुपया जलाकर दिवाली मनाया और यहां मिठाई खाने चलाया। हमरा रुपया गया, हमको कोई गम नहीं, बहुत है, बहुत इतना है कि हमरी चिल्लर से एक वजह से कुक्कड़ पैदा हो गए। लेकिन हमरी इज्जत का जो कचरा हुआ उसको हम नहीं सहन कर पाएंगे। हमरी इज्जत ना हो गई, जौनपुर की गंगाबाई हो गई कि जिसका जी चाहे उंगली पकड़ कर टहलाने ले जाए। ए हरिया हुकुमदाता, हमें हमारा माल चाहिए, हमें देखना है कि तू हमारा इज्जत का खातर कहां जान लड़ाता है। जी दादा। जा हरिया, जल्दी जा।
तेरा दाता का इज्जत का सवाल है। ये चमच आया, चमच आया, चमच आया, ये फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया। मैं तो शादीशुदा हूँ और चिंकी अभी बहुत छोटी है, तो फिर बाहर कोई हॉर्न ऐसे क्यों बजा रहा है जैसे कोई मजनू हो? ये अंदाज तो किसी आशिक का ही लगता है। अंदाज आशिक का हो, परेश खो जाने के बाद आवाज तो ऐसे ही निकलती है ना। भाभी लगता है कोई हॉर्न चेक कर रहा है। अपने घर के सामने चेक कर रहा है? अब चिंकी बेटा जरा जाकर देखना तो कि कौन है। अरे खाना तो खा ले, अरे खा लेगी, उसे जाकर देखने तो दो कि अरे कौन आया है। हेलो चिंकी। हेलो, आप मुझे जानती है? मैं तो आपको नहीं जानती। लेकिन हम तो आपको जानते हैं, आपके मामा और आपके पापा को भी जानते हैं। आपके चाचा घर पर है? हाँ वो तो है, मगर आप कौन है? हम आपकी होने वाली चाची है, जाके अपने चाचा को बुलाओ ना। आप अंदर चलिए ना मेरे साथ। नहीं बेटा, जब तक आपके चाचा आपकी होने वाली चाची को लेने नहीं आएंगे तब तक वो अंदर नहीं आ सकते। अच्छा मैं अभी चाचा को बुला के लाती हूँ। चाचा, चाचा। कौन है चिंकी बेटा? होने वाली चाची आई, चलिए ना उन्हें लेके आते हैं। कौन? ऋतु आई है। आप उसे कैसे जानती है? मुझे अजय ने सब बता दिया है, और मैं तो रितु से रोज फोन पे बात करती हूँ। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, वो पहली बार हमारे घर आई है। अरे नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे मेरी माँ तू मरवाएगी मेरे को, पागल है तू? भागो ऐसे। क्या सोचेगी भाभी, अंदर भी नहीं आई जबकि चिंकी को प्रॉमिस भी किया था। ज्यादा सगे वाली मत बन, समझे ना। अरे भाभी अभी की रट क्या लगा रखी है, हमेशा ये जो तमाशा करती रहती हो। विजय तुम मानो या न मानो, तुम्हें तो मैं अपनी कुंडली में लिखवा कर लाई हूँ। और ये कार, ये कहाँ से लाई हो? ये मेरी सहेली की है। जब मैंने उसे अपना हाल दिल सुनाया तो वो रो पड़ी और बोली ये कार अभी ले जा, उसे घर से उड़ा ला। तुम और तुम्हारी सहेली एक जैसी है। अच्छा, अरे मोहब्बत करने वालों का स्टाइल ही कुछ ऐसा होता है। और आज हम ठान बैठे हैं कि तुम्हारे सीने से दिल ढूंढ निकालेंगे। Come on.
सावधान। कानून का प्रेम पत्र, हरिया की विदाई का समाचार। यह है हरिया के जमानत के कागजात। दरवाजा खोल। चारों तरफ से अच्छी तरह से देख लो इंस्पेक्टर। हरिया को छोड़ दो। इंस्पेक्टर, तू तो अच्छी तरह से जानत रहा कि हम 7 साल तक पुलिस वालों के साथ ब्याह किया रहा और अब तलाक दे दिया हूं। और हमारा गांव का रीत है कि तलाक के बाद ससुराल नहीं जाया जाता। और एक बात और अच्छी तरह से सुन ले कि हमारी पलटनवा का कोई भी आदमी यहां एक रात गुजार लिया, अगली सुबह तू सूरज नहीं देखेगा। इस रिवॉल्वर का लाइसेंस है? बाकायदा सरकारी लाइसेंस है। और हम इतना बेवकूफ नहीं कि इस पुलिस स्टेशन में रिवॉल्वर देख सकता हूं मैं। गोलियां चली तुम्हारे रिवॉल्वर से। रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान, तुम्हारे केस। पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला, चश्मदीद गवाह मौजूद। पटेल। यस सर। क्या हुआ था यहां? यही सब हुआ था साहब। कमले। यस सर। क्या देखा तुमने? आपके ऊपर गोलियां चली। और इंस्पेक्टर तुम? इसने आप पर जानलेवा हमला किया। सुना, तुम्हारी तरह कानून को अगर मैंने अपने हाथ ले लिया, उस दिन से लेकर तुम्हारे आखिरी दिन तक जेल के अंदर चक्की पीसते हुए नजर आओगे। लेकिन जेल का गेहूं खत्म नहीं होगा। अगली बार मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे सीने में दाग दूंगा और उसके बाद तेरी लाश से पूछूंगा, बता तेरा जुर्म क्या है। और तू जानता है दादा, लाशों की जमानत नहीं होती। पटेल। यस सर। 3 गिरने तक अगर ये लोग यहां से नहीं गए, उठा के पटक देना जेल के 10 सालों को। एक। आज तुम दोनों साथ कैसे? हाँ, निशा यहाँ आ रही थी क्योंकि इससे तुमने कुछ वादा किया था और तुमसे एक वादा मैंने भी किया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दोनों ही वादे निभा दिए जाए।
इसलिए पहले तुम अपना वादा पूरा करो। वही तो कर रहा हूं। निशा, यह है वो फाइल जिसके अंदर दाता की तस्वीर और उसके छोटे बड़े कारनामों के बही खाते, और यह है वो फाइल जिसकी वजह से वो 7 साल जेल काट चुका है। निशा, अखबार में दाता के खिलाफ पढ़कर मुझे भी उम्मीद हो गई कि शायद हम केस जीत जाएंगे। हाँ, बस पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। तुम देखना विजय, कल अखबार में दाता की तस्वीर छपेगी। वाह विजय वाह, कितनी खूबसूरती से तूने अपना वादा निभाया है। लेकिन मैंने भी अपना वादा बड़े नजाकत से निभाया है। भाई कौन सा वादा? भूल गए विजय, मेरी और निशा की पहली मुलाकात तुम्हें तो याद होगा ना निशा, वो होटल की पार्किंग। हाँ, जब तुम मेरी तलाशी लेने आए थे। और तुमने क्या किया था? कुछ याद आया विजय? मैंने तुमसे वादा क्या किया था पूछ लो निशा से। क्यों निशा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? हाँ, कैसी बातें लेके बैठ गया अजय? थाने में मोहब्बत की बातें? निशा, क्या तुम एक पल भी मेरे बगैर रह सकती हो? मैं तो नहीं रह सकती, तुम्हारी तुम जानो। अगर मैं तुमसे एक दिन ना मिलूं तो तुम्हारा दिल धड़कने लगता है ना? हाँ, पर ये क्या मजाक है अजय? मजाक ये नहीं, वो मोहब्बत है जो तुम समझती हो कि मैं तुमसे कर बैठा हूँ। तुम क्या समझती हो कि मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगा हूँ? देख विजय, मैंने अपना वादा पूरा किया। सच्चाई सुनकर इसके चेहरे का रंग कैसे सफेद पड़ा, देख देख। अजय, क्या हो गया तुझे? अरे क्या पिज़्ज़ू जैसे बात कर रहा तू? साला हम ही एक किसी के पास इतने दिन टिके हैं, और ना वादा पूरा, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अजय, कह दो कि ये झूठ है। अरे विजय देख देख, इसकी आंख में आंसू भी आ गए। अजय, उस दिन तो बड़े रौब से थप्पड़ मार के चली गई थी, आज हमने क्या एक थप्पड़ मार दिया, दिखाई तो नहीं दिया होगा लेकिन सुनाई जरूर दिया होगा। क्यों अजय? निशा, निशा मेरी बात जाने दे। विजय जाने दे, अब उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। अगर एक ही लड़की के साथ चिपका रहूंगा तो बाकी लड़कियों का क्या होगा?
बड़ा बड़ा मर्द हमरा जी हजूरी में 24 घंटे निकाल देता है। दाता 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 बड़ा इज्जत करता है और ये गजबल का चुकरिया हमारी इज्जत का अचार बनाकर पब्लिक को चटवा रही है। और तुम सला हे हरिया कान में ये बात अच्छी तरह से ठूंस ले कि अगर हमारा फोटो यहाँ छप गया तो हम तुम सबका सकल बिगाड़ दे। चुकरिया का कलम स्याही का मुंह ना देखे, उका लिखाई पढ़ाई सब बंद, उको यहाँ लेकर आओ हम उका डिग्री दे। ए हरिया हुकम दाता। घास काटना और फूल चुनना एक साथ जोर नहीं लगता रे, उंगलियां और जुबान भले इसका बहुत ज्यादा चलता है लेकिन हम बिना छुए ही बतला सकता हूं कि इसका कपड़ा का भीतर जो जिस्म है ना बहुत नाजुक है। आ गए ना अपनी असलियत पर दाता। अरे अगर मर्द हो तो ये डॉक्टर तो कहत रहिन कि हम मर्द हूं, वही आजमाने के लिए तो कहीं यहां बुलाया हूं। दादा मेरी इज्जत पर अगर और हमारी इज्जत के साथ जो तू खिलवाड़ किए वो हम तोरा सारा प्रेम पत्र पढ़ा हूं जो तू हमरे नाम का अखबार में छापा रहीन, पूरा शहर के सामने पूरा पब्लिक के सामने हमको नंगा कर दी रहीन। आज हम भी वही खेल खेलूंगा, सबके सामने तोरा कपड़ा उतार कर तोरा अंदर का इज्जत देखूंगा और सबको दिखाऊंगा। ए हरिया उतारी का साड़ी। नहीं नजर में तो एक ही छवि बन सकता है, एक दाता का एक आंखन में तो हम बसा हूं, हम हमरे सिवा और कोई नहीं। अरे 4 बरस का रहीन तब से हम इनका पाला हूं, हमरा पालतू है, इका कान हमरा बोली समझता है, इका जुबान हमरा तलवा चाटता है, हमरा फोटो छापेगी। आज हम तो का ऐसा छाप दूंगा अपने को ई पर कजी धरिया नग्न कर दे इसको। तुम्हारी कलाई और तुम अगर इस बंधन को नहीं पहचानते हो तो मैं बताती हूँ तुम्हें इसका मतलब। ये डोरी राखी कहलाती है और ये कौन किसे बांधता है ये तुम अच्छी तरह जानते होगे। अब तुमसे रिश्ता जोड़ने के बाद मैं खुद उतारती हूँ अपनी साड़ी और जाती हूँ जानवर के पास। लेकिन हरिया यहाँ जिसे बिना कपड़ों के देखा जाएगा वो कोई यतीम लड़की नहीं, तुम्हारी अपनी बहन होगी, अपनी बहन होगी। ए हरिया ये क्या किया तूने? बोल कहां से आया तेरे अंदर इतना हिम्मत? तू उसे वापस साड़ी पहनाएगा मेरी मर्जी के खिलाफ? जाने दे ई काटाता, जाने दे। ई जो हमरी कलाई पर बांधी है उका बाद हमरा जी हमका तुतकार रहा है। दाता जितना जी में आए हमका मार हमार बोटी बोटी कर दे हम कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इका जाने दे दाता। ये तो एक टुकड़ा का दम पर तो का भाई बना ली हरिया, लेकिन हकीकत में भी तोरा सगा बहन होता
और हमरा जी ऊपर आ जाता तो तू अपना जी की परवाह करता या हमरा जी का? तो ए हरिया, तोरा गर्दन में इतना लचक कहां से आ गया? ई सर हमरे सामने उठ गया, ई जो तोरा सामने हमरा सर झुका रहता था उ तोरा इज्जत की वजह से, इसे हमरा कमजोरी मत समझता था। कहीं हमरा असली रूप तेरा सामने आ गया तो तेरा सर धड़ से धरती पर टपक जाएगा। तोरा खाल छील छील कर तोरा असली रूप भी देखूंगा हरिया, और बड़ा तसल्ली से देखूंगा ससुर। पहले तोरा बहन का सत्कार करूंगा और फिर देखता हूं तेरा कौन सा असली रूप हमको रोकता है। ऐसन जगह हाथ मत डालता था कि अपने हाथों से हाथ धो बैठो। कभी गांव जाओ तो सब लूला लूला कहें, और अगर कोई ये पूछे कि यह हाथ कौन उखाड़ दिया तो हमरा नाम लेते हुए शर्माओ। ये हाथ का जगह तोरा कांधे में दो छेद रह जाएगा दादा, और ये समझ ले ये हरिया का बहन है। बहुत हो गया ये रक्षाबंधन, रे पलटन हुआ, हरिया को पकड़कर हमारे सामने बांधो और उनका बहन को पकड़कर हमारे पास ले आओ। आज हरिया के सामने हम उनका बहन का चीरहरण का कार्यक्रम करूंगा और उसके बाद संपन्न होगा रक्षाबंधन का त्योहार। मस्त साले के टेटुए में और गर्दन तोड़ दे साले की। मस्त साले के टेटुआ में दादा, तू तो सिर्फ दो अक्षर आए, ता और ता। ईदा का दबदबा भी हम रहीन और उता का ताकत भी हम रहीन। तू हमसे अपना तलवा चटवाया, हम चाटे तरह तरह एक एक सारे पर हम कुत्ते की तरह नाचा, लेकिन दादा हरिया कुत्ता ना ही, अरे हरिया तो उस शेर है जो तू पाल रहा। शेर पालने का बहुत शौक है ना दादा, तो तनी की जानकारी भी रख कि शेर का सवारी कभी नहीं किया जाता, उसका पंजा और दांत का धार का आजमाइश भी नहीं किया जाता। दादा, पिस्तौल का तेरा हाथ में आ गया तो तू अपने आप को शेर का शिकारी समझ बैठा। अरे हम चाहू ना दादा तो अभी हम दाता को तोरा जिस्म से उखाड़ फेंक कर तेरा खोखला खाल यहां बिछा जाऊं, लेकिन हम ऐसा नहीं करूंगा दाता। चले तो क्यों दाता? क्योंकि आज हम एक रिश्ता कमाया हूं, और वो रिश्ता का खातिर हम तो का जीवन दान देता हूं। जा तो दाता नाम की चट्टान पर से हरिया नाम का कवच उतर गया। अरे कितनी मेहनत की थी हमने उस चट्टान को मिट्टी करने की। हरिया गया, अब दाता की दास्तान को भूख मार के खत्म कर दूंगा मैं। अजय, मैं तुझे भी जानता हूं और उसे भी। तू इतने घटिया किस्म का आदमी है, उसके काबिल नहीं है तू। तब तो तूने कुछ नहीं बोला था जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था। उस वक्त भी तू ही गलत था और आज भी गलत है। खामखा तेरे बहकावे में आ गई वो। अजय, वो लड़की तेरे बहकावे में इसलिए आ गई क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। शायद पहली बार उसे प्यार मिला और उसने अपने जज्बात लुटा दिए। एकदम से यूं बेसहारा होकर कहीं वो कुछ कर बैठी तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे।
निशा, साले यहाँ कैसे पहुंचा? तेरी हिम्मत कैसे इस घर में आने की? विजय, हरिया मेरे साथ आया है, अगर ये यहाँ से जाएगा तो मैं भी नहीं रुकूंगी। निशा, ये एक मुजरिम है। ये मेरा भाई है विजय, अगर अजय नहीं होता तो शाम को तुम्हें मेरी बर्बादी की खबर या फिर सुबह किसी सड़क पर मेरी लाश मिलती। दादा के लोग मुझे उठाकर उसके यहाँ ले गए। उस जानवर की पूरी टोली में एक ही इंसान था, ये यही है वो जिसने मुझे उनकी गिरफ्त से बचाया। अब वो लोग मेरे ही नहीं इसकी जान के दुश्मन भी बन गए हैं। भैया, जी वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, खून काफी बह चुका है। प्लीज प्लीज डॉक्टर, सब वो नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अगर तुझमें जरा सी भी गैरत बाकी हो तो निशा को मिलने की कोशिश मत करना कभी। विजय, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैं खुद अपनी नजरों में गिर चुका हूं। अजय, कितने दुख की बात है, अभी अभी जो तुमने बात कही उस दर्द में शायद ही कुछ सच्चाई हो, लेकिन तेरी झूठ की इतनी आदत बन गई है, हर बात बनावटी लगती है। नहीं विजय, नहीं, नहीं। तू जो चाहे सजा दे मुझे, लेकिन मुझे माफ कर दे। मुझे अपने आप से इतनी नफरत होने लगी है कि घिन आती है मुझे। मैं ना तेरी दोस्ती के लायक हूं और ना ही निशा के प्यार के। विजय, प्यार का जज्बात मेरी समझ में अब आया है। निशा, इस साहबजादे की शक्ल वही है मगर अकल बदल गई है। मैं सचमुच बहुत ही घटिया और छोटा आदमी निकला, लेकिन
तुम बहुत ऊंची और ओ देवदास, ये मोहब्बत कर रहे हो या करना आप रहे हो है? अच्छा मैं चलता हूं, मेरे जाने के बाद गाड़ी जरा आगे बढ़ा लेना है? चलो ये है हरिया, गिरफ्तार कर लो इसे। क्या हरिया को गिरफ्तार? ये चौगले साहब का हुक्म है। इसका जुर्म क्या है? दाता का खून। कहा दाता मारा क्या? कब? अच्छा इतनी जल्दी भूल गए कब मारा उसे? अरे ये सब झूठ है इंस्पेक्टर, ये सब अदालत में साबित होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप इसे नहीं विजय, अभी ले जाने दा हमका, नहीं तो बेकार में बात बढ़ेगा और नीचे तक पहुंच जाएगा। अरे जब हम खून नहीं किया तो का साबित कर लेगा ये लोग। चला इंस्पेक्टर। चलो एसीबी चौगले, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ किस जुर्म के तहत में हरिया को गिरफ्तार किया गया? अखबार नहीं पढ़ा तुमने कि कल इसने अपने दाता का खून कर दिया? कल कितने बजे हुआ था खून? कल दोपहर 3 और 4 के बीच। कल दोपहर 3 से लेकर 4 बजे के दौरान हरिया मेरे साथ मेरे घर पर मौजूद था। आपके संग आपके घर पर मौजूद था? अब कल कोई उठकर ये कह दे कि ये मेरे साथ था तो क्या मैं मान लूंगा? इंस्पेक्टर विजय, कानून ऐसे नहीं चलता। मेरे पास एक ठोस गवाह है जो खुद वहां मौजूद था, एसीपी अश्विन कुमार। ओ एसीपी अश्विन कुमार, यानी आपके भाई भी वहां मौजूद थे जब कल हरि आपके साथ था। लीजिए अभी फोन कर देते, अगर वो कहेंगे तो हरिया को छोड़ देंगे। हेलो हेलो मिस्टर एसीपी अश्विन कुमार। हाँ बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एसीपी चौगले। हाँ बोलो चौगले। ये इंस्पेक्टर विजय कुछ बयान दे रहे हैं कि कल हरिया 3 और 4 के बीच आपके साथ में था जब दाता का खून हुआ। हरिया हमारे घर? बयान बिल्कुल बेबुनियाद है, हरिया हमारे घर कभी नहीं आया। इंस्पेक्टर विजय की याददाश्त धूल कर रही है, हो सकता है उनकी अपनी कोई वजह हो। तो हरिया को जेल में रखूं ना? बिल्कुल जेल में ही रखिए, और मेरी सख्त हिदायत है कि किसी भी तरह की कोई जमानत मंजूर न की जाए। ठीक है एसीपी बाबू, मैं आज ही उसके नॉन अवेलेबल पेपर्स तैयार करवाता हूँ। भैया कल दोपहर को हरिया हमारे साथ था और इंस्पेक्टर विजय आप एसीपी अश्विनी कुमार से बात कर रहे हैं, अपने भैया से नहीं। और ऐसे संगीन मुजरिमों की वकालत आपको करनी है तो आप करिए, मैं इस झंझट में पड़ने वाला नहीं। लेकिन इस मुजरिम को जिसे आपने खुद हिरासत में लिया था आज उसी को छुड़ाने आए हैं, और आपके पूछने भैया उसकी जमानत रुकवा रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। भाभी घर में कौन आया? कोई नहीं, क्यों? ये गाड़ी किसकी खड़ी है? तेरे भैया ने नई कार ली है, कैसी लगी जरा चला कर तो देख। भैया की जो चाल हो गई है ये मुझसे तो चली नहीं जाएगी। ये चाल चलन और ये कार उन्हीं को मुबारक हो। कैसी जली कटी बातें कर रहे हो, हुआ क्या तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ भैया को हुआ है। वैसे ये कार आई कहां से? क्यों कोई लोन लिया है? भाभी ये हायर परचेज की स्कीम, ये इंस्टॉलमेंट में सामान आना, ये लोन लेना, क्या ये दिलचस्पी भैया में नहीं लगती आपको? विजय तुम कहना क्या चाहते हो? भाभी भैया ने मुजरिमों को अपना ईमान बेचकर जो कीमत वसूल की है उसी का नाम है ये हायर परचेज, लोन या इंस्टॉलमेंट, क्या यू कहिए वो के जिसकी सरपरस्ती में शहर के तमाम गुनाह होते हैं, खरीद लिया एसीपी अश्विन कुमार को। मेरा भाई बिक गया, बाजार बिक गया और बाजार हो गया। ये सब तुम अपने भाई के लिए बोल रहे हो? विजय कहां गए तुम्हारे सब संस्कार, वो सलीके? संस्कारों और सलीखों की पट्टी आंखों पर बांधकर कब तक अंधेपन का ढोंग किया जा सकता है? भाभी भैया की पगार उतनी है मगर इस घर के हालात और इस घर के रंग पहले से कुछ ज्यादा चमकीले हो गए हैं। सरकारी कमाई में इतनी चमक नहीं है
झूठ बोल बोलकर पाप की कमाई लाई जा रही है इस घर में। जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। अब इतने काबिल हो गए हो कि अपने भैया को शक की निगाह से देखने लगे। शक तो पहले था, अब यकीन हो गया भाभी। अपने यकीन के साथ अपने कमरे का दरवाजा बंद करके इत्मीनान से रहो। मेरे सामने अगर अपने भैया के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो विजय मैं। कानों में रुई ठूस लेने से सच्चाई की आवाज नहीं दब जाएगी। भाभी, आपसे ऊंची आवाज में दावा करता था भैया की ईमानदारी का, और आज उससे भी ऊंची आवाज में ऐलान करता हूं भैया की बेईमानी का। यह बात मैंने अपने हाथों से महसूस करके देखी है। वाह, बड़ी भली लगती है देवर भाभी की बहस। आज पहली बार आप दोनों को इतने ऊंचे सुर में गाते सुना है। बात क्या है? अपने लाडले भैया से पूछिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही विजय है जो आपके किरदार पर कीचड़ उछाल रहा था। ये बिन बरसात कीचड़ कहां से आ गया? क्या बात है विजय, आपके तेवर काफी बदल गए हैं भैया। आपके शौक बदल गए, आपकी दिलचस्पी जो इंसान और इंसानियत में थी आज चमकती हुई कारों में है। पहले तो मुझे शक था आपकी सोबत पर, मगर आज यकीन हो गया है। बताइए भैया, क्या के वो इंसान नहीं जिसकी वजह से हरिया को जेल में ठूसा गया? एक सलाह दूं विजय आपको, इस केके को हम दोनों के बीच में अभी मत घसीटो। बस भैया बस, अब यही सुनना बाकी रह गया। अब तो दिक्कत यह है कि घर में परोसा गया खाना उंगली में पकड़ा हुआ हरने वाला, पता नहीं आपकी सरकारी तनख्वाह का होगा या केके की पाप की कमाई का। तो छोड़ दो ये घर। अगर इस घर का हर सुख तुम्हें काटने को दौड़ता है तो मत ताल्लुक रखो इस घर से। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि तुम्हारे भैया तुम्हें सफाई भी करें। लेकिन विजय, बेहतर यही होगा कि तुम्हारी समझ में जो समझ आती है वही समझो। ज्योति, बीच में मत पड़ो तुम, ये दो भाइयों के बीच बहस है। दो भाइयों की बहस है और मेरा कोई सरोकार नहीं, तो बाहर जाकर बहस कीजिए। इस घर में अगर मेरे पति के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। बस ज्योति बस। विजय, अपनी भाभी की बातों का बुरा न मानना। भाभी की बात का बुरा? भैया, ये तो मेरी मां है, मां। उन्होंने जो कुछ भी कहा बहुत अच्छा कहा। कितना विश्वास है आप पर। लेकिन भैया, मुझे आप पर एतबार नहीं रहा। मैं इस घर में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता इस घर में। अरे विजय, जाने दीजिए उसे। किसी के लिए इतनी नफरत दिल में रखकर साथ रहना मेरे हिसाब से पाप है। अब आप कृपा करके अंदर किचन में जाइए और अपना काम कीजिए, जाइए। हेलो, मैं अश्विन से बात कर सकता हूँ? आप कौन? ठीक है, केके का फोन है आपके लिए। तुम अंदर जाओ और अपना काम करो। हाँ केके बोलो। अरे भाई अश्विन, तुम तो फोन करके आज शाम का प्रोग्राम बताने वाले थे। हाँ, वो बस घर में थोड़ा विजय नाराजगी में घर छोड़कर चला गया है। क्यों? शायद नई कार देखकर। अरे भाई, ये तो हमारे और तुम्हारे इश्क की इब्तिदा है। अगर किसी को जरा सी तरक्की हजम नहीं हुई, आगे तो तुम्हारी जिंदगी को हुस्न लगने वाला है, उसे तो बदहजमी हो जाएगी। खैर अश्विन, जाने वाले को जाने दो। अश्विन, अगर हम और तुम साथ रहना तो इस शहर में हमारे नाम के सिक्के चलेंगे, सिक्के खरीद लेंगे हम सारे शहर को। विजय, देख तो कौन आया। मैंने कहा था ना कि भाभी जरूर। अच्छा, तो शर्त लगी थी कि आज के दिन में तुम्हें देखे बिना रह पाऊंगी या नहीं। विजय,
एक फोन भी नहीं हो पाया तुमसे। कम से कम आज के दिन चिंकी से तो बात। नहीं भाभी नहीं, आप यहाँ बिल्कुल गलत है। अरे आज अगर आप नहीं भी आती तो ये भाई साहब शाम को घर पर जरूर टपक पड़ते। अरे बेचारा हफ्ते भर से तो प्रेजेंट इकट्ठे कर रहा चिंकी के लिए। यही विश्वास तो मुझे यहाँ ले आया। अरे अगर जरा से मन मुताब से रिश्ते यूँ टूटने और बिगड़ने लगे तो एक ही छत के नीचे न जाने कितनी अलग अलग दुनिया बस जाए। भाभी चिंकी कैसी है? अभी भी रात को उठकर एक आध बार तुम्हारे कमरे में झांक आती है कि शायद तुम आ गए हो। अपने भैया के बारे में नहीं पूछोगे? शाम को तो मुलाकात होगी। चिंकी से कहिएगा कि मैं घर आ रहा हूं। पार्टी घर पर नहीं है, होटल में है। हॉलिडे। भाभी भैया की वाकई में बहुत तरक्की हो रही है। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी हाँ जी हाँ वो हम दोनों। हाँ और ज्योति आओ इनसे मिलो। ये हैं केके और ये हैं हमारी अर्धांगिनी। अश्विन बाबू अगर हमारी बीवी इतनी खूबसूरत होती तो हमें तो अपने दोस्तों की नजर पे भी शक होता, न जाने कितने कत्ल कर जाते। केके जिंदगी के तकाजों में इतने मसरूफ रहे कि खूबसूरती की ओर ज्यादा तवज्जो कभी नहीं दी। अब देखिए ना हम भारत में पैदा हुए लेकिन ताजमहल नहीं देखा अब तक, क्योंकि अपने तेवर में खुद ताजमहल बनाने की तमन्ना है। अरे हम तो इस शहर की तकदीर में ताजमहल कब का लिख चुके होते हैं अगर इतनी खूबसूरत बीवी हमें मिल जाती। अश्विन एक मिनट एक्सक्यूज मी। अबे कद्रदान की तारीफ को ठुकरा के तो मत जाइए। जिस दिन किसी ब्याहता औरत की ठोकर का तजुर्बा हो गया ना मिस्टर केके तो ऐसी कदरदानी भूल जाइएगा। हाँ, सुनिए तो। अपने दोस्त को समझाइए शराफत की हद से बाहर जा रहे हैं। अरे मजाक कर रहा होगा। कमाल है ज्योति तुम हर बात को तूल दे देती हो। देखो कोई तमाशा मत खड़ा कर देना पार्टी में। हाँ क्या कह रहे थे आप? भाभी भैया ने एक नया शौक पाल रखा है, जानवरों को पूछना। आप एक काम कीजिए घर में एक कुत्ता पाल लीजिए ताकि कुत्तों से निपटना आ जाए। वैसे जानवरों से कैसे निपटा जाता है मैं आपको बताता हूं। तुम्हारे हाथ आस्तीन से लंबे होते जा रहे हैं, जब भी जी में आता है किसी पर भी उठा लेते हो। और आपके दोस्त के हाथ? तुम हमेशा विजय की पैरवी मत किया करो। आपके और मेरे रगों में एक रंग का खून हो ही नहीं सकता। भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शहर के हिजड़ों से निपटने के लिए एक आध मर्द शायद कम हो गया हो, मगर कुछ मर्द अब भी बाकी हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? मैं इस दुनिया से अपने आप को समेट कर ये घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़कर जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें अचानक? अचानक? अचानक मुझे इस छत और इन दीवारों की दरमियान की दुनिया अजनबी लगने लगी है। बस नाम तुम्हारा जाना पहचाना सा लगता है लेकिन तुम भी पराए लगने लगे हो। कुछ नहीं बदला है ज्योति, सब कुछ वैसा ही है। ताज्जुब है कि तुम्हें अभी तक महसूस ही नहीं हुआ। काश की पार्टी में तुम्हारा बर्ताव एक पूरा सपना होता, हकीकत नहीं। ज्योति वो के जिसका नाम है वो कोई मामूली शख्स नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। उसकी पहुंच किसी की भी पहुंच अगर तुम्हारी पत्नी की इज्जत तक पहुंचती हो तो तुम पति कहलाने के लायक नहीं हो। कल रात उसने भरी महफिल में मेरे साथ बदतमीजी की,
कल सारे बाजार मेरी इज्जत उछालेगा और तब भी ना तो तुम्हारे चेहरे पर कोई गुस्सा आएगा और ना इन बाजुओं में कोई हरकत होगी। कमजोरी का जामा पहने ताकते रहोगे तुम। ज्योति, तुम्हारे गले से ये चीख तब क्यों नहीं निकली अश्विन? इतने कमजोर कब से हो गए तुम? तुम्हारी शख्सियत में कमजोरियां भरकर तुम्हारी ताकत को खरीद लिया गया है और अब इस बेबस, कमजोर और लाचार अश्विन के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। ऐसे हालात भी तो आ सकते हैं जो आदमी को कमजोर और बेबस बना देते हैं। मैं कोई खुदा तो नहीं हूं, पर मैं समझने लगी थी और आज मेरा हर एतबार, हौसला और तसल्ली लावारिस हो चुकी। पिछले 8 साल में अश्विन नगर में तुम्हें सही समझती रही तो ये कोई और है जो तुम्हारा चेहरा लगाकर मेरे साथ रह रहा है, पर अगर मैं तब गलत थी तो तुम्हें अपनी नजरों से गिराकर तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है तुमसे अलग रहना। नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं है यूं घर छोड़कर जाने की। मुझे रोक पाने का हक तो तुमने खो दिया है अश्विन। रिश्ते सिर्फ नाम नहीं होते, उन्हें बड़ी मेहनत से निभाना पड़ता है। देखो ज्योति, मुझे थोड़ी मोहलत दो ताकि मेरे बस में अगर पल भर भी तुम्हारे साथ गुजारना होता तो क्या मैं वो लम्हा गवाती? मुझसे अब सचमुच तुम्हारे साथ रहना गवारा नहीं हो पाएगा। बस, मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। ये नाटक जारी रखने का हौसला मुझ में और नहीं रहा। जो कीमत अब तक मैं दे चुका हूं वो मेरी औकात से कहीं ज्यादा है। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन और हाथ जोड़कर माफी। अश्विन, बस अब कुछ ही दिनों की बात तो और है, और फिर हकीकत तो सिर्फ हम दोनों जानते हैं ना। जब तुम केके के ड्रग माफिया का सफाया करोगे तो सारा देश जान जाएगा कि कैसे तुमने केके के रंग में अपने आप को रंग कर उसका खात्मा किया। सबको तुम्हारी कुर्बानी बन। नहीं सर, अब मुझसे आगे हो नहीं पाएगा। मैं अपनी जिंदगी अपने लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं। अश्विन, ये सच्चाई तुम्हारे साथ साथ मैं भी झेल रहा हूं। कल रात भरी महफिल में केके ने जिस औरत के साथ बदतमीजी की वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मेरी भी बेटी है। ये खून का घूंट मैंने भी पिया है अश्विन। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस नामर्द होकर सब कुछ देखता रहा, सहता रहा। अब इस आखिरी मकाम पर पहुंचकर मैं तुम्हें और अपने आप को कमजोर होने का आदेश नहीं दे सकता। जहे नसीब, आपके आने से हमारा मकान महल हो गया। ये इनायत आज हम पर कैसे केके? अश्विन, सुना है तुम अपनी बीवी को तलाक दे रहे हो। उस बुढ़े ससुर को भी यही सुना कर आ रहा हूं। अगर तुमने उसकी बेटी को तलाक दे दिया तो श्रीवास्तव आफत मचा देगा। उसका ऐलान है जंग तुम्हारे खिलाफ होगा, जिसका सीधा असर हमारे धंधे पे पड़ेगा। आपके धंधे पर क्या असर पड़ेगा ये देखते जाइए केके। जब हम उल्टे पांव चलते हैं तो ज्यादा सीधा चलने लगते हैं। आपके धंधे को मैं कारोबार की शक्ल देना चाहता हूं केके। हां, श्रीवास्तव से तो मैंने तलाक की बात यूं ही कही है, ना वो तलाक होने देगा और ना ही मैं चाहता हूं। इतनी बुराई तो हमारे अंदर आपने भी देखी होगी कि किसी अच्छे आदमी को धमकाकर बोतल में कैसे उतारा जाता है। और फिर जैसे भी हैं हम ठहरे तो उनके इकलौते दामाद,
जैसी धुन हम बजाएंगे वो बुढ़ा उसी धुन पर नाचने लगेगा। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, श्रीवास्तव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग। हेलो। अश्विन बाबू, यह है हमारी दोस्ती की आखिरी हद, जहां हमने तकदीर को कैद कर रखा है। जो भी यहां कदम रखता है वो कामयाब हो जाता है। के ये सफेद गर्द कोकीन है ये तो समझ में आता है, लेकिन ये इतना बड़ा तामझाम किस लिए? ये तामझाम वो प्लांट है अश्विन, जिससे हम दुनिया की सबसे उम्दा कोकीन बनाते हैं। और एक बार अगर ये कोकीन इंटरनेशनल मार्केट के जबान पर लग गई तो फिर हमारे खुद के लोग हमारी बुलंदी को दूरबीन लगाकर देखेंगे। हाँ, माफ करना केके, जितनी गहरी जड़ें यहां दिख रही हैं उतने ऊंचे दरख्त नहीं है तुम्हारे। अब तक तो इस ताकत के बूते पर तुम्हारे नाम की इस देश में सड़कें और चौराहे हो जानी चाहिए थी। कस्टम्स और मिनिस्टर्स को तो हमने अपनी जागीर बना लिया है अश्विन बाबू, मगर प्रॉब्लम है पुलिस वालों से। ये खाकी वर्दी वक्त पे वक्त हमारे आड़े आ जाती है। शहर की सारी पुलिस फोर्स की खाकी वर्दी को अंदर से तुम्हारे रंग में ना रंग सके तो दोस्ती क्या खाक निभाई हमने? और के ये सब देखकर न जाने क्यों मुंह में लार भी आज कुछ ज्यादा ही बन रही है। सर, मैं केके की लंका का चप्पा चप्पा देख चुका हूं और अब बिल्कुल तैयार हूं उस लंका का दहन करने के लिए। तो फिर देर किस बात की है? तुम जब कहो मैं सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नहीं, मुझे पुलिस फोर्स का एक भी आदमी नहीं चाहिए अपने साथ। सर, थोक के भाव खरीद रखा है केके ने पुलिस वालों को। अगर हमारे हमले की खबर उसे लग गई तो हमारे पहुंचने के बहुत ही पहले वो सारे सबूत गायब कर देगा। तो फिर मुझे इस ऑपरेशन के लिए सिर्फ चार आदमी चाहिए सर, विजय, अजय, कैप्टन सूद और हरिया। इन पर मुझे पूरा भरोसा है सर। अश्विन, इन चारों को लेकर इतना बड़ा ऑपरेशन और उसके लिए ऐसी इजाजत जारी करना मेरी पहुंच से बाहर की बात है। मुझे मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। शहर की सारी पुलिस को छोड़कर आपको ऐसी इजाजत? बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं मैं, सिर्फ आपकी गारंटी पे कमिश्नर साहब। पूरा एहतियात बरतिएगा कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं? अर्ज के जरूर ने मुझे अंधा कर दिया है। इतना भी नहीं सोचा, जो आरोप लगा रहा हूं वो अपने भैया पे लगा रहा हूं। और भाभी के दिल में जो जहर घोला है। विजय, तुम लोगों में नफरत करवाना इस योजना का हिस्सा था। वैसे जो तुमने अपनी तरफ से किया वो ठीक ही किया, लेकिन अंकल पता नहीं भैया ने हम लोगों की बातें कैसे सही होगी। अरे अरे, हम लोगों ने अनजाने में क्या क्या कह दिया उनसे। मकसद ही इतना बड़ा था कि सबने सहा है, मगर मंजिल तक तो पहुंच गए ना। भाई साहब, जब आपने हमारे खिलाफ बयान देकर हमारी जमानत को रद्द कर दिया तो मां कसम एक बार सोचा कि आपका कत्ल कर दूं। तुम्हें जेल में रखने का मकसद ही यही था हरिया, कि तुम अगर जेल से बाहर रहते तो केके के आदमी तुम्हारा कत्ल कर देते। भाई साहब, आप हमारे बारे में से सोचते रहे और हम शर्मिंदा हैं। हम कल तक दाता नाम की बुराई के सामने हमारा सर यूं ही झुकता रहा, लेकिन आज हम अपने आप को आपके हवाले करता हूं। और गंगा मैया की सौगंध भाई साहब, अब यारिया आप जैसा बनने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश। बस बस, इतना सर पे मत चढ़ाओ हरिया, बड़ा मामूली सा इंसान हूं मैं। चलो।
भैया भैया। ए विजय, अभी भी कोई गिला शिकवा बाकी है? ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा है जैसे बचपन में जब स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेकर आता था और तेरे मार्क्स कम आते थे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे माफी कैसी पगले, माफी कैसी? अरे तूने जो बर्ताव किया है ना, अगर वैसा बर्ताव नहीं करता ना तो मुझे लगता कि तुझे पढ़ाने लिखाने में कोई कसर बाकी रह गई थी। अरे अपने भाई को भी नहीं छोड़ा तूने सही गलत की कसौटी पर। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। अश्विन, अश्विन अभी कुछ काम की बातें भी हो जाए, बहुत कम वक्त है हमारे पास। ये तमाम नक्शे केके के खास अड्डों के हैं, या आने जाने के रास्ते, या आसपास की बिल्डिंगों की पोजीशंस, ये पेड़ों की दूरी और ऊंचाई, इन सभी बातों का ब्यौरा यहां नंबर डाल के दिया गया है। कल शाम 7 बजे से परसों सुबह 5 बजे तक हमारे पास सिर्फ 10 घंटे हैं, और इन 10 घंटों में इन तमाम अड्डों पर कैसे भी हमें पहुंचना पड़ेगा। एसीपी अश्विनी कुमार, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई, भले तुमको हमसे हो ना, ये उसी दोस्ती का वादा है, उसी दोस्ती का वादा है कि तुम्हारा जनाजा बहुत धूम से निकाला जाएगा। अब शुरू होता है मैच, क्रिकेट मैच। आप लोग यहां बैठे अपनी नींदें हराम करके अपना घर बार काम काज छोड़कर हमारे बारे में कितना सोच रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम खुद चलकर आपसे क्यों ना मिलाएं। क्यों अश्विन बाबू, आप तो हमारी दोस्ती का तजुर्बा कर चुके हैं, इसलिए अच्छी तरह जानते होंगे कि जो भी केके को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, हम उसकी खोपड़ी का लिफाफा खोलकर भेजे की चिट्ठी निकाल लेते हैं। एके, इन 5 सैनिकों को ट्रक में लाद कर सरहद तक छोड़ा, देशभक्ति कूट कूट के भरी है इन लोगों में, और हम कमिश्नर साहब के साथ बैठकर कुछ गपशप मारेंगे, शराब पिएंगे, दिल बहलाएंगे इनका। तो चलो आओ, आओ। अश्विन बाबू, आपने हमारे साथ क्रिकेट खेलने का गलत शौक पाल लिया है। अब आपको पहला रन बनाने के लिए यहां से 6 किलोमीटर दूर छोड़ा जाएगा, जहां से 10 मिनट में आपको वापस लौटकर आना होगा। अगर नहीं आ सके तो मैं आपके ससुर कमिश्नर साहब की विकेट उड़ा दूंगा। चाहिए, पहला रन बनाइए। फासला बहुत ज्यादा है और कमिश्नर के पास सांसें बहुत कम। अब भी पहुंच सकते हो वक्त पर, बशर्ते के उड़ के जाओ। वेल प्लेड। मारा है उन लोगों ने, लेकिन उसका झगड़ा तो मुझसे था, फिर इन्हें क्यों उसने? केके, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है तूने। भैया,
शायद हमें इस गुनाह में फंसाया जा रहा है। फंसाया नहीं जा रहा विजय बाबू, फंसाया जा चुका है। ये जो हमारे केके साहब है ना, वो दोनों हाथों से शतरंज खेलते हैं। अब फंस तो गए तुम लोग। पहली चाल श्रीवास्तव की मौत, और दूसरी चाल तुम सबकी गिरफ्तारी, जिसके हम सब चश्मदीद गवाह हैं। हैं? हम सब गवाह हैं। ज्योति तुम यहां? तुम्हारी इजाजत मिल जाती तो मैं उस घर में वापस चली जाती। तुम पर वो इल्जाम लगाकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। जब से गई हो वो घर ईंट सीमेंट का एक मकान बनकर रह गया है। उसे फिर से घर बना दो। तुम्हारी ताकत की बजाय तुम्हारी कमजोरी बन गई। लेकिन अश्विन तुम हार मत मानना, तुम्हें कामयाब होना पड़ेगा। ये झूठा इल्जाम ज्यादा दिन अदालत में नहीं टिक पाएगा। और अब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे चार चार भाई भी हैं। मैं आज अपने घर वापस जा रही हूं। क्यों नहीं खेल पाया ना हमारे साथ? पांचों रन आउट, श्रीवास्तव की विकेट गिर गई और तुम पांचों यहां आकर बैठ गए पवेलियन में। अश्विन बाबू, अगला मैच हम आपकी बीवी के साथ खेलेंगे। आखिर दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हारी बीवी की जवानी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अब हर रात जो तुम्हारी उसे जरूरत पड़ती है वो जरूरत हम पूरी करें। के? चीखो, चिल्लाओ, रो, गिड़गिड़ाओ, अब यही सब करना है तुम्हें। के? अपनी जलील जबान से जो तू बोल गया है उसकी कीमत तो मैं तुझसे वसूलूंगा ही, लेकिन वैशी पन में अगर तू हरकत कर गया तो तेरा हश्र इतना खौफनाक होगा कि खौफनाक चीजों से खेलना के की अदा है। आज रात तुम्हारी बीवी के साथ हमारा मैच तो तय है। सोचते हैं कि तुम्हारी उस मासूम बच्ची का क्या होगा। अनाथों पे बड़ी दया आती है हमें, तो फिर एक काम करते हैं, उसका भी ऊपर के पवेलियन का टिकट कटवा देते हैं, मार देते हैं उसे। क्या कहते हैं, मृत्युदान, मर्सी किलिंग, यू अंडरस्टैंड ना, मर्सी किलिंग। के? अब तू देख, हमारी अगली मुलाकात तेरी मौत की तारीख लेकर आएगी, और अगर तूने ये पाप किया तो तेरी विजय, ये कुछ भी कर सकता है, हमें ज्योति के पास पहुंचना होगा। भैया हमें कुछ करना होगा। ऑफिसर सिर्फ एक ही रास्ता है। भाभी जी, ज्योति, ज्योति। आप? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ?
लेकिन आप सब यहां कैसे पहुंचे? विजय, विजय तुम सब बाहर कैसे आए? ये सब जेल से भागकर आए हो? लेकिन क्यों? अरे मुझे कोई तो बताओ, विजय, विजय तुम तो बताओ ऐसा क्यों किया? आप लोगों की इस हरकत से तो कानून को और भी शक हो जाएगा कि You are all under arrest. Once again. कितनी आसानी से तुम लोग जेल से भाग गए. लेकिन अब की बार जो गए तो उम्र भर के लिए जाओगे. अरे खामखा तुम लोग केके साहब की बातों में आ गए, वो तो मजाक कर रहे थे. अश्विन बाबू, ये क्या कर रहे हैं? जनता तो क्या, मैं भी आपको बेगुनाह समझता था कि गुनाह थोपे गए हैं आप पे. कोर्ट के फैसले से पहले जेल से भागकर आपने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, क्योंकि वही इंसान जेल से भागता है जिसे सजा का डर होता है. और हां, वो जो वादा मैंने आपसे किया था ना जेल में, वो आज नहीं फिर कभी पूरा करेंगे. हां, जेल से फरार होने का गुनाह हमने किया है, लेकिन इस डर से नहीं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जेएल श्रीवास्तव की हत्या का केस में हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते. हम बेगुनाह हैं जज साहब, हमारा जेल से फरार होने की वजह सिर्फ एक वजह नहीं मिला, सजा का खौफ. लेकिन इनका गुनाह साबित करने के लिए ढेर सारे सबूत और बहुत से चश्मदीद गवाह मौजूद है. वकील साहब, एक गवाह मेरे पास भी ऐसा है जिसके बयान से अदालत में पेश किए गए आपके सारे नकली सबूत और झूठे गवाहों की असलियत सामने आ जाएगी. हमें बेगुनाह साबित करने वाले वो गवाह हैं खुद होम मिनिस्टर पुरुषोत्तम सिन्हा. मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि उन्हें दिल्ली से बुलाकर इस केस के वक्त अदालत में पेश किया जाए. अगर तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो बच्ची मेरे भाई के हाथ से छूट जाएगी. उसका जिंदा रहना तुम्हारा जिम्मा है, समझी? नहीं, बंद करो ये सब कुछ, बंद करो. भैया बंद करो इसे. Yeah.
मुझे तो खुद बड़ा ताज्जुब हुआ जज साहब जब मुझे कोर्ट का ऑर्डर मिला कि इन लोगों ने अपनी सफाई में गवाही देने के लिए मुझे बुलाया है। जिन लोगों से इस जन्म में तुम्हें मिला नहीं और पुनर्जन्म में मैं विश्वास रखता नहीं। नहीं जज साहब, ये झूठ है कि मैंने इन्हें कोई मंजूरी दी कि एसीपी अश्विन कुमार अपनी फौज बनाकर शहर में मनमानी करे। मुझे अपने देश के कानून और पुलिस पर पूरा भरोसा है, ऐसी मंजूरी मैं दे ही नहीं सकता। आप लोगों को अपने बयान में कुछ कहना है? तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम एसीपी अश्विन कुमार और उसके साथी जज साहब, ये हाथ हर गुनाह को घसीट कर इस कटहरे में लाते थे, आज वही हाथ कानून के गिरेबान तक पहुंच गए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चले चलिए। सबसे पहले वो भरी अदालत से भाग गए और उसके बाद अस्पताल से लाशें उठाकर ले गए। और पुलिस क्या करती रही? पुलिस बगले झांकती रही। अरे मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस के जीप पे हाथ में रखती है चौगले। मेरा मन करता कि मैं तुम्हें भाई जी वो इस शहर में तो हो नहीं सकते, होंगे तो किसी और शहर में होंगे। केके साहब, मैं फौरन पूरी पुलिस फोर्स शहर के बाहर तैनात कर दूंगा। चौगले पालतू बिल्ला, जब आदमखोर शेर बन जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अगर वो अब भी तुम्हारे पकड़ में नहीं आए तो उन पांचों के 10 हाथ सीधा हमारे गिरे बापे होंगे। केके साहब, मुझे नहीं मालूम वो कब आए और कब गए। हट, नहीं तुमसे पूछ कर आते, हाँ तुम्हारा आशीर्वाद लेके जाते। हाँ चौगले, अभी तो लाशें ले गए, सिर्फ लाशें ले गए, लेकिन कल को जब तुम्हें जिंदा उठा के लेके जाएंगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। केके साहब मेरा ट्रांसफर करवा दो। हाँ चौगले, होगा तुम्हारा ट्रांसफर, जरूर होगा, मैं करूंगा तुम्हारा ट्रांसफर, लेकिन सीधा ऊपर। अरे एक बात तुम्हारी मोटिया कल में अभी तक नहीं आई कि वो लाशें क्यों उठाकर ले गए। अरे अक्कल के दुश्मन, वो लाशें इसलिए उठाकर ले गए क्योंकि उन लाशों का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। वो हिंदू है, वो अग्निदाह देना चाहते हैं उन लाशों को। चौगले, उन पांचों को वहां जाके ढूंढो जहां से वीराने में धुआं उठ रहा।
भैया आप लोग यहाँ से निकल जाओ और सीधे जाके काली पहाड़ी पर मिलना। ओके चलो जल्दी। कैप्टन तुम लोग ऐसे निकल जाओ, मैं इन लोगों को रोकता हूं, जल्दी। तक उन लोगों से दूर भागते रहेंगे जिनकी मौत हमारी मंजिल है? कब तक? उनकी मौत को और मोहलत देना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल से शुरुआत होगी उनको चुन चुन के हलाल करने की, उनको चुन चुन के हलाल करने की। Come on.
छाड़ो। डेविड की मौत जमीन पर, मिनिस्टर की मौत पानी में, मुझे न जाने के लोग कहां जाकर मारेंगे। हवा जरा सी क्या उल्टी चलने लगी, तूफान समझ कर चूहे जहां से कूदने लगे। जा जा, जाकर छुप जा हमारी फैक्ट्री में। जी। और सुन जी। वहां पहुंचने से पहले अपना ये पसीना पोंछ लेना। जी जी जी। वैसे भी शेर की गुफा में चूहों के बिल सजते नहीं।
इस जगह को पूछ इन चट्टानों से चश्मदीद गवाह रहे हैं ये जिन दो जिंदगियों का तूने बेरहमी से अंत किया था उनका अंतिम संस्कार हमने यहीं किया था और हम पांचों में नहीं इन पहाड़ों में भी वो ज्वालामुखी कैद है जिसका मकसद सिर्फ तेरे जिस्म की हड्डियों को गलाना है और आज वो ज्वालामुखी फटेगा उसके अंदर का हर अंगार तेरे जिस्म पर लपटेगा देखते ही देखते तू लाश हो जाएगा और उसके बाद राख राख उस शाम दिन जब ढला तो सूरज मुस्कुराता हुआ उन पांच पांडवों के रथ पर सवार होकर अस्त हुआ लेकिन सूरज के चेहरे पर उम्मीद की लकीरें थी सूरज देख चुका था कि जुर्म शहर की जमीन से मिट चुका है इन पांडवों को अदालत में बेशक सजा दी जिसे इन्होंने तोहफे के तौर पर कबूल किया क्योंकि ये पांडव शहर को अमन और शांति सौगात में दे चुके थे